29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 401 जो 163 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा का सफर तय करने वाली थी, लेकिन इस सफर में छिपा हुआ था एक ट्विस्ट, एक ऐसा ट्विस्ट जहां पर एक भूत ने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इस इंसिडेंट पर कई मूवीज और वेब सीरीज भी बन चुकी है, और ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। मतलब शायद ये आज तक की सबसे ज्यादा मजेदार भूतिया कहानी है। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ बहुत मजा आने वाला है। इस घटना की शुरुआत होती है फ्लाइट नंबर 401 से। दरअसल इस फ्लाइट को न्यूयॉर्क के कैनेडी एयरपोर्ट से मियामी तक का सफर तय करना था। इसको बोब लॉफ नाम के पायलट उड़ा रहे थे जो 55 साल के थे और वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी थे। सब कुछ सही चल रहा था, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और 2 घंटे का सफर तय किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। प्लेन में पायलट के साथ एक को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर डोन रिपो थे। लैंडिंग से कुछ ही किलोमीटर दूर पहले लैंडिंग की प्रॉपर तैयारी होने लगती है, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। प्लेन की लैंडिंग कराने के लिए प्लेन का फ्रंट व्हील खोलना पड़ता है और उसके लिए को पायलट ने लिवर को डाउन किया। जब प्लेन का पहिया प्लेन से बाहर आ जाता है तो एक इंडिकेशन जलता है, लेकिन वो इंडिकेशन नहीं जला। तब को पायलट को लगा कि शायद इंडिकेटर में कोई खराबी आ गई होगी। उन्होंने इंडिकेटर को चेक करवाया डोन इंजीनियर को बुलवाकर, लेकिन इंडिकेटर में कोई भी खराबी नहीं थी। उसके बाद प्लेन के पायलट बोब ने खुद अपने हाथों से लिवर को कई बार ऑपरेट करके देखा, लेकिन फिर भी प्लेन का पहिया बाहर नहीं आया। उन सबको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी क्योंकि अगर बिना फ्रंट व्हील को बाहर निकले लैंडिंग कराते हैं तो वो एक क्रैश लैंडिंग होगी जिसमें कई लोगों की जानें भी चली जाएगी। फ्लोरिडा का एयरपोर्ट काफी पास था तो उन्होंने एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट से संपर्क किया। उन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि प्लेन को हवा में 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाओ और फिर प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डालकर मैन्युअली सब कुछ खुद चेक करो कि कहां पर क्या प्रॉब्लम आई है या नहीं। उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया और लग गए फ्रंट व्हील को चेक करने में। प्लेन का पहिया पूरी तरीके से जाम हो चुका था, वो खुल ही नहीं रहा था, और इसी दौरान ये लोग प्लेन के डायरेक्शन पे ध्यान देना भूल गए। प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, और कुछ ही मिनटों बाद ऐसी नौबत आ गई कि प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। प्लेन जमीन से टकराया या नहीं, ये तो एक ट्विस्ट है ही कहानी में, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और बस कुछ ही मिनट बाद वो प्लेन क्रैश हो गया। इसमें करीब 101 पैसेंजर्स मर गए और साथ ही साथ प्लेन के पायलट बोब, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर डोन रेपो की भी वहीं पर मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ना यहाँ पर भूत आया ना उसने किसी की जान बचाई। तो रुको, जरा सब्र करो, भूत भी आएगा और जान भी बचाएगा। अब ऐसे ही एक साल BIT जाता है और साल आता है 1973, स्टार फ्लाइट नंबर 318 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी और यहाँ पर एक एयर होस्टेस थी जिसका नाम था मैरी। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग खा पी रहे थे, और फिर आया कहानी में ट्विस्ट। मैरी ने कुछ खाने का सामान गर्म करने के लिए ओवन खोला और ओवन के अंदर उसे दिखा एक भूत का चेहरा, वो भी जलता हुआ, जो कुछ कहना चाह रहा था। मतलब पहले मैरी को तो खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, उसे लगा कि शायद ये कोई वहम है। उसने फिर से ओवन खोला और जब देखा तो वहां पर वाकई में एक भूतिया चेहरा था। वो भाग कर गई और वहां से एक फ्लाइट इंजीनियर को लेकर आई, उसके साथ बाकी स्टाफ भी आया। शुरू में तो सब मैरी पर हंस रहे थे, लेकिन जब उन लोगों ने अपनी आंखों से उस भूतिया चेहरे को ओवन में देखा तो सबके होश उड़ गए। उस फ्लाइट का जो इंजीनियर था उसने उस भूत के चेहरे को पहचान लिया और गैस करो कि वो कौन था। वो चेहरा था डोन रेपो का, वही डोन रेपो जो फ्लाइट नंबर 401 में मर गया था, और वो कुछ कहना चाह रहा था। इन लोगों ने जब उसकी बात उसके इशारों को ध्यान से सुना तो वो कहना चाह रहा था कि इस प्लेन में आग लगने वाली है। वो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उसने जब बताया कि प्लेन में आग लगने वाली है तो किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन तभी अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्लेन में आग नहीं लगी, लेकिन उसका एक इंजन खराब हो गया जिसके चलते वापस उस प्लेन को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरना पड़ा। करीब 1 महीने तक उस प्लेन की रिपेयरिंग की गई और जब टेस्टिंग के लिए उसको फिर से उड़ाया गया तो उसमें आग लग गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डोन रिपो के भूत ने बताया था। और ये नजारा उस फ्लाइट नंबर 318 के फ्लाइट इंजीनियर ने खुद अपनी आंखों से देखा और उस समय उनको वो बात याद आई जो फ्लाइट नंबर 401 के भूत ने उनसे कही थी। और उसके बाद ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मतलब पहले तो भूत ने अपना चेहरा दिखाकर इन लोगों को डायरेक्ट मैसेज दिया कि प्लेन को उतार लो, आग लगने वाली है, लेकिन जब इन लोगों ने बात नहीं मानी तो शायद भूत ने ही प्लेन का इंजन खराब कर दिया ताकि लोगों को मजबूरी में उतरना पड़े।
और कई लोगों की जान इस एक छोटे से इंसिडेंट ने बचा ली।